हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी गार्डन। तो आज मैं गार्डन में आई हूँ तो दिख रहा है कि मेरा लेमन ग्रास काफ़ी बढ़ चुका है। ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये लेमन ग्रास काफ़ी बढ़ गया है। ये तो इसे थोड़ा छाटना भी है और इसका जो ग्रो बैग है आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा पड़ गया अभी, तो इसे बदलूँगी। आज सोच रही हूँ दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी और रूट्स भी बाहर से निकलना शुरू हो गया। तो आज इसका थोड़ा सजावट करते हैं, कटिंग छटिंग करके, इसीलिए आज ऊपर आई हूँ। तो इसका स्टार्ट करते हैं, इसका छाटना। और ये बहुत ही मतलब धार है, इसके जो पत्ते होते हैं ये वाले, इसे हाथ में लगे या कहीं भी लगे तो अजीब टाइप का इचिंग भी शुरू हो जा रहा है और प्लस साथ में ना थोड़ा हाथ घिस जाता है, जलन शुरू हो जाती है। थोड़ा धार है ये, इसका जो किनारे से लगता है कि ब्लेड टाइप का फील होता है, मुझे तो डर ही लगता है इससे। चाय वाय में डालो तो बहुत अच्छा लगता है इसका स्मेल। दो चार लगाई थी मैं, इसके जो रूट्स भी लगा दो ना उठा के लाके तो लग जाता है तुरंत से। एक ही लाई थी मैं वैसे, तो एक से चार पांच निकल गया है शूट्स। अब जगह भी कम पड़ रहा है तो सोची कि ये जो ग्रो बैग है छोटा भी पड़ रहा है, काफी पुराना हो गया, फट रहा है तो बदल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये मैं चाय के लिए यूज़ करूँगी, फेंकूँगी नहीं। बिल्कुल साफ हो चुका है। इसके साइड्स के पत्ते वैसे सूखने लगते हैं तो छाटना पड़ता है, तभी अच्छा लगता है दिखने में। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं वैसे, मैं सोची आज सारे मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मैं तो एक साथ में बहुत सारा काम निकल जाता है। वही सोच के आगे ये देख सकते हैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। पूरा जकड़ गया है, ये जो ग्रो बैग में बनाई हूँ ना इसमें पूरा जकड़ गया है, रूट्स अंदर चले गए, इसके निकालना मुश्किल हो रहा है। मैं ताकत लगा के खींच रही हूँ बट ये निकल ही नहीं रहा। इतने सारे रूट्स भर गए इसमें, इसके रूट्स बहुत फैलते हैं, हद से ज़्यादा फैलते हैं। थोड़ा बहुत अगर रूट्स कट भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें ढेर सारे रूट्स होते हैं। आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरीके से ये फंसा हुआ है, ये देखिए पूरे ये रूट्स है, पूरा बोरा पकड़ लिया है टाइट। अब ये तो निकालना मुश्किल लग रहा है मुझे। कैंची से काट काट के निकाल दूंगी थोड़ा बहुत, तब आसान होगा निकालना। टाइट हो गया मिट्टी, इसे फैलने के लिए भरपूर जगह की जरूरत है। इसे कभी भी लगाना है तो बड़े साइज के ग्रो बैग में ही लगाना है, नहीं तो यही सेम प्रॉब्लम हो जाएगा जैसा मेरे साथ हुआ है। बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे ये निकालना। ये बोरे का गोरा ग्रो बैग था तो बोरे के एक एक जो छेद है उसके अंदर छोटे छोटे रूट्स जम गए बहुत टाइट से, निकालना मुश्किल लग रहा है अब तो मुझे। ट्राई करके से इतना टाइट हो गया है, ना मिट्टी निकल रहा है ना ही वो जो ग्रो बैग है इतना चिपक चुका है, तो इसे काट देते हैं हम, दूसरा कोई जरिया नहीं है। थोड़ा बहुत रूट कटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें बहुत सारे रूट्स है, इजीली ग्रो कर जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स क्या बुरा हाल हो गया इसका। पूरे रूट से भरे हुए हैं ये। अब इसका थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकाल लेते हैं और फिर बाकी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। इस बार इतना छोटा ग्रो बैग में नहीं लगाऊंगी, थोड़ा बड़ा ग्रो बैग में लगाऊंगी जिससे इसे भी फैलने में आसानी हो और मुझे भी कभी भी नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट करना हो तो ऐसा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ज़्यादा मिट्टी निकालूंगी नहीं, इसका मिट्टी काफ़ी चिपचिपा है, थोड़ा भुरभुरा मिट्टी होता तो इजीली निकाल चुका होता इसका। अभी बढ़िया से निकल जाएगा। और मैं एक ही रखूंगी इस बार, दो दो नहीं रखूंगी, इसमें बहुत सारे भर चुके हैं। अभी जहाँ एक लगाई थी वहाँ 7-8 बन चुके हैं, थोड़ा सा कम कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स इसके रूट्स कैसे जम चुका है। अब इस सिर्फ इतना ही लगाऊंगी इस बार, बहुत मेहनत करवाया इसने मुझे। मिट्टी में मिक्स करके रखी हूँ क्योंकि आज मुझे ढेर सारे प्लांट को छोटे छोटे पॉट से बड़े में डालना है तो सोची हूँ पहले से रेडी करके रखती हूँ। ये वाला फटा हुआ दिख रहा है, इसमें ले लेती हूँ। बहुत सुंदर दिखता है इसके पत्ते, गन्ना टाइप का पत्ता है दिखने में, गन्ना बोल सकते हैं या घास टाइप का, और जल्दी जल्दी फैल जाता है। रेतीला मिट्टी सबसे बढ़िया होगा इसके लिए तो मैं रेतीला मिट्टी ली हूँ। ये अगर ज़मीन पे लगाते हैं तो 6 महीने में ढेर सारा जगह ले लेता है पूरा फैल के। ये तो पॉट में है इसीलिए फैल नहीं पा रहा उतना, फिर भी जितना फैला है काफ़ी मुश्किल हो जाता है छोटे छोटे गार्डन में इसे लगाओ तो। एक बार लगा लो तो ये जाता नहीं है आसानी से, पूरा छाड़ भी दोगे यहाँ से तब भी यहाँ से न्यू शीट्स तुरंत निकल जाएगा कुछ ही दिनों में। बढ़िया रिपोर्ट हो चुका है, ये बिल्कुल लग के रेडी है। बड़े वाले ग्रो बैग में लगाई हूँ, अब नेक्स्ट कभी ऐसा प्रॉब्लम मुझे आएगा नहीं शायद,
क्योंकि ये मुझे थका चुका है अच्छे से, बहुत सारे रूट्स भर चुके थे, रूट बाउंड हो चुका था, तो कम से कम रखी हूँ और ये निकाल दी हूँ आधा। अब इसी को रखूँगी अच्छे से सेट करके, बीच बीच में छाटती रहती हूँ, फिर भी बहुत फैलता है। और कैसा होता है कि जो टेरेस वाला गार्डन होता है वहाँ पे हमें मिट्टी की बहुत कमियाँ होती है। एक बार लगा दे बड़े पॉट में, बस अभी टेंशन फ्री। कैसे कि पिछले बार सब छोटे छोटे पॉट में लगाई थी, तो सारे शिफ्ट करने में इतना मिट्टी लग रहा है मुझे, मत पूछिए। चलो ये हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आपका प्यार ऐसे देते रहिए। तो थैंक यू, बाय बाय।